यू नो कि मैंने एक अपनी टेस्ट सीरीज बनाई है आपकी पेपर की प्रेपरेशन के लिए। सो जैसे कि आप सबको पता है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिविजन टेस्ट हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सो सारी रिविजन सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन पंजाब बोर्ड में मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सारी चीज हम लोग रिविजन सीरीज में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने रिवीजन टेस्ट पेपर अभी तक नहीं किए तो प्लीज रिवीजन टेस्ट पेपर सबसे पहले आप जरूर करें ताकि आपको पता चल सके कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं, मोस्टली कमेंट्स आप लोग पढ़ लेना, मोस्टली कमेंट्स में क्या पूछते हैं कि मैम अगर आपकी वीडियो देख लें या फिर यही सीरीज हम लोग कर लें क्या हम पास हो जाएंगे, क्या हम 30+ मार्क्स लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग लेके जा सकते हैं। सो बेटा टेस्ट सीरीज जितनी भी मैं करवा रही हूँ आप लोग उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, अपना सारा टेस्ट दें। टेस्ट जैसे ये क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने आपको टेस्ट डाला तो ये टेस्ट आप करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी प्रिपरेशन आपकी हो रही है, कितना आपकी टेस्ट नहीं हो रहा। सो रिवीजन टेस्ट के बाद जब आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे अगर आपको टेस्ट आ रहे हैं इट मींस कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं। अगर आपके टेस्ट आपको अच्छे से नहीं आ रहा इट मींस कि आपकी अभी भी आपको बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है और आप लोगों को ये क्वेश्चंस लर्न करने ही होंगे। विदाउट ये नहीं है कि रिंपल मैम ने बता दिया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कर लो भाई पास हो जाएंगे, ऐसे पास नहीं होंगे जब तक आप खुद उसको लर्न नहीं करोगे अच्छे से। जब तक आप लर्न नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, मिस्टेक्स नहीं निकालोगे तब तक आपके 35 मार्क्स आ ही नहीं सकते, 30+ मार्क्स आ ही नहीं सकते। सो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करें। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं तो 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन अपनी मेन बुक उठाएं, दिनेश की बुक, मॉडर्न की बुक, प्रदीप की बुक, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसे उठाएं, हर एक तरह का क्वेश्चन आप कवर करें। देन ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करके देखें, अगर टेस्ट सीरीज आपको बहुत अच्छे से आती है इट मींस कि यू कैन गेट 35 मार्क्स और 30+ मार्क्स। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली आपको पेपर में भी प्रॉब्लम आएगी। चलिए बहुत से क्वेश्चंस हम लोग अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे किसमें आपकी मिस्टेक्स है, कौन सी आपको मिस्टेक नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज का टेस्ट है सो स्क्रीन की साइड पे आपको बेटा क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। सो ये क्वेश्चंस है ठीक है, ये क्वेश्चंस है। सो इसमें इन क्वेश्चंस में आप लोगों की क्या मिस्टेक्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ, ग्राफ जो है फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट वाला जो ग्राफ है। अदरवाइज मैंने टेस्ट में 3 मार्क्स का डाला है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये ठीक है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वाला अलग आ सकता है, इंटेंसिटी वाला अलग क्वेश्चन आएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है दैट इज द बोहर मॉडल, बोहर मॉडल का दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप मान सकते हो कि 80% चांसेस है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन एज सच क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। और थर्ड वन इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जिसका ग्राफ में बच्चों को मोस्टली क्या है मिस्टेक्स करते हैं। चलिए इसका हल्का 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 ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है यहाँ पे मास नंबर एंड दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, क्या है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब ध्यान से देखो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनाना है, जो ये वाली पीक है ठीक है मैं इसको रफ करके दोबारा से बनाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोग क्या बनाते हो, आप लोग बनाते हो ऐसे, ये बन गया हमारा ग्राफ, दिस इज अ रॉन्ग। आप लोगों ने इस तरीके से इसकी इतनी बड़ी बड़ी पीक नहीं बनानी है, क्लियर हो गई ये बात कि आपको इतनी बड़ी बड़ी पीक जो है नहीं बनानी। दूसरी मिस्टेक, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर ये वाली पीक तो हो गई सही ठीक है, यहां से मैं जाके इस तरह से इसको इमिडिएटली डाउन कर दिया, अब इमिडिएटली डाउन करोगे दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी आप नहीं बना सकते। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं इसके एक पहाड़ी बना देते हैं, हमें पहाड़ी नहीं बनानी, बिल्कुल सही ग्राफ बनाना है। सो चलिए ग्राफ बनाना सीखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे चाहिए आपके जितने भी ग्राफ्स और डायग्राम्स हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और अच्छे से बनी होनी चाहिए।
सो ग्राफ देख लीजिए, सबसे पहले ऐसे इसकी जो पीक्स हैं, ये रही इसकी पीक्स। ध्यान से देखो, इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस इस तरीके से डिस्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा इसको खुला नहीं बनाना, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं बनाना और बहुत लंबी लंबी पीक्स भी नहीं बनानी, ठीक है। सो ये हो गया आपका। यहाँ इसके बाद जो हल्का सा कर्व देना है और एंड में इसको बेंड कर देना है। बेंड इस तरीके से करना है कि ऐसे जाए, ऐसे ना जाए, ये वाला गलत है। क्लियर हो गई ये बात? सो कुछ मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है कि जो आपने पेपर के अंदर नहीं करनी। अगर आप लोगों ने इस सीरीज का टेस्ट दिया बेटा, प्लीज अपना टेस्ट अच्छे से चेक करो। जो चीजें मैं बता रही हूँ ये चीजें आपने नहीं करनी। अगर आपकी आपके ग्राफ में ये मिस्टेक्स हैं जो मैं अभी बताती रहती हूँ, सो प्लीज वहां पे क्रॉस कर दें और अपना 1 मार्क्स वहां से कट कर दो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपके मार्क्स एग्जाम में किस तरीके से कट हो सकते हैं। सो हमें कोई भी मार्क्स कट नहीं करवाना, बिल्कुल अच्छे से 100% तैयारी करके जाएंगे, 100% पढ़ के जाएंगे, टेस्ट दे के जाएंगे, ठीक है जी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। सो बेटा आई होप आप लोगों ने ये टेस्ट करा होगा। सो टेस्ट के आंसर्स चेक कर लेते हैं, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से और कैसे लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड इंसिडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद सुटेबल ग्राफ। इसका मतलब आपने ग्राफ बनाना है प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। सो फर्स्ट पार्ट है फ्रिक्वेंसी वाला। सबसे पहले बेटा ग्राफ चेक कर लो, ग्राफ किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले इस तरीके से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, दो एक्सिस ले लो। ये वाली आपकी क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल। सो ध्यान से देख लो, एरो इस तरफ बना है, दिस इज अ रिटार्डेशन पोटेंशियल। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल। ये सिंपल पोटेंशियल है, मतलब कि पॉजिटिव पोटेंशियल, और इस तरफ क्या है आपकी, नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर हो गया? और ऊपर की तरफ क्या है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल एंड अ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सेचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वेयर एज स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। ध्यान से पढ़ लो, उन्होंने बोला कि सेचुरेशन करंट, जहाँ पे जाके आप सेचुरेशन करंट आप देख पा रहे हो, ये वाला, जहाँ पे जाके दोनों करंट कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। मान लीजिए आपके पास दो मेटल सरफेस है, सो एक की वैल्यू 4 थी, एक की जो वैल्यू है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसमें से जो आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, सो सेचुरेशन करंट इसका भी यहाँ पे आ गया और इसका भी यहाँ पे आ गया। सो दिस इज़ द सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट पे आपका क्या होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या है, इंडिपेंडेंट होगी ऑफ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपने जब देनी स्टार्ट करी, जब उसकी थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी, तभी उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सो थ्रेशहोल्ड मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टार्टिंग जो होगी वो दोनों क्या है, अपनी अपनी मटीरियल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट होंगे। सो इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आ जाओ, अबव द थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी, जैसे ही आप अपनी एनर्जी थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा लेके आएंगे, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। सो जितने भी इस पर्टिकुलर मेटल से जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी। जितनी ज़्यादा आप फ्रिक्वेंसी चेंज करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसका जो ग्राफ है बहुत केयरफुली देख लो, ये आपका पर्टिकुलर ग्राफ है। अब आप इसमें मिस्टेक क्या करते हो, इस तरीके से ग्राफ बनाया, पेपर में आप लोग भूल जाते हो और यहाँ से शुरू कर दिया इस तरीके से। सो ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है जी। पहली बात, ये आपका ग्राफ गलत है बेटा, ये डिस्कशन लेक्चर नहीं है, डिस्कशन अब हमारा लेक्चर नहीं है। सो इस जो वीडियो में हम लोग जस्ट टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सो टेस्ट सीरीज़ का मतलब है जितने भी आपके टेस्ट के अंदर मिस्टेक्स हैं, मैं वो सारी टेस्ट को डिस्कस कर रही हूँ। आप लोगों की आप लोग मोस्टली किस चीज़ में ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, बिकॉज कोरोना टाइम था, आप लोगों ने टेस्ट बहुत कम दिए हैं,
अगर आपके क्लास टीचर या आपके ट्यूशन टीचर कोई भी आपके टेस्ट बहुत अच्छे से ले रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी मिस्टेक्स की और ध्यान दें। अगर आप सिर्फ लेक्चर सुन रहे हो और समझ रहे हो लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे, तो आपके कम से कम बेटा मान के चलो 30-40% आपकी मिस्टेक्स होंगी। आपको फिजिक्स में टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विदाउट बोल सकते हैं कि टेस्ट आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे पेपर के अंदर। सो प्लीज़ अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को रिमूव ज़रूर करना। आई होप आप लोगों ने ये इस सीरीज़ का ये टेस्ट दिया होगा। सो टेस्ट अपना, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट अपनी उठा लो और ध्यान से देखो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ आपने वो गलती तो नहीं की। ठीक है, पहला ये मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, आप लोग ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ग्राफ बिल्कुल सही बना लिया। अब क्या करते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे बना दिया, ऐसे। ठीक है, सेचुरेशन पॉइंट भी सही है, ये ग्राफ भी सही है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट देखो आपने ऐसे कर्व बना दिया यू शेप में। ये ग्राफ भी गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज आपने जब ग्राफ बनाना है इसको हल्का सा कर्व्ड देना है। ठीक है, सो ध्यान से देख लो, यहाँ पे कर्व आ रहा है ना कि इस तरीके से जा रहा है। ये वाली चीज़ नहीं है, ध्यान से देख लो, ये वाली चीज़ है, इस तरीके से जा रहा है ना कि इस तरीके से। सो आप लोगों को ग्राफ बहुत अच्छे से प्लॉट करना है। ध्यान से समझ लो इस तरीके का ग्राफ क्यों बना। मान लीजिए आपने इस तरीके का ग्राफ बनाया, इसका मतलब जैसे ही आपने फोटो थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी आई, इमिडिएटली इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे आप एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोसीजर स्टार्टिंग टाइम थोड़ा सा स्लो है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हुए बट थोड़े से कम। अब एनर्जी जितनी ज़्यादा आप इंक्रीज करते, फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा इंक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज होगी। सो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हो गया? सो ये वाला ग्राफ इस तरीके से आपने नहीं बनाना है। डन। अब कुछ बच्चे इसको क्रैम कर लेते हैं। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा लंबा भी बनाएंगे तब भी चलेगा, यहाँ पर कर्व और इस तरीके से है तब भी आपका ग्राफ चलेगा। क्लियर हो गया? इसमें एक चीज़ लिखना मत भूलना कि किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। ये फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, इसका मतलब म्यू टू क्या है, ग्रेटर देन है किससे, म्यू वन से। क्लियर हो गया जी? सो ये रहा आपका फर्स्ट फ्रिक्वेंसी वाले पोर्शन का ग्राफ। सो अपने ग्राफ में किसी तरीके की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपको किसी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे तो आप लोग इजीली पूछ ही सकते हो। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अमिटेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस डिपेंड only on the intensity of incident light and independent of its frequency। यहाँ पे frequency का कोई भी लेना देना नहीं है। first portion के अंदर हम लोगों ने frequency की, second portion के अंदर effect of intensity। intensity होता है कितनी amount of energy आप लोग metal के ऊपर fall करवा रहे हो। clear हो गया? so number of photoelectrons emit होंगे किसी भी एक particular metal surface पे, किस पे depend करेगा, intensity के ऊपर। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कितनी है उस पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल में से बाहर जाएंगे। इंडिपेंडेंट है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आप जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी मेटल के ऊपर फॉल करवाओगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। क्लियर हो गया? इसका मतलब इसका सीधा बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो करंट के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप ब्लू कलर की लाइन देख सकते हैं। सो दिस इज अ स्ट्रेट ग्राफ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस बतानी है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हो। 5 लिमिटेशंस है, आप लोग 2 या 3 लिमिटेशंस भी लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज ट्राई करो कि मैक्सिमम जितने आप लिख सकते हो लिखें। नेक्स्ट है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। दिस इज़ अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। एक एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव,
डिके वाला क्वेश्चन और सेकेंड वन है ये बोहर्स वाला क्वेश्चन। सो ये दो क्वेश्चंस बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करके जाना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बोहर्स वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है। सो इसके PDF बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसकी PDF ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। देन बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का प्रॉपर आप लोग देख सकते हैं कि डेरिवेशन है, इसकी डेरिवेशन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट पोर्शन है वेलोसिटी वाला, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो बेटा प्लीज़ यहीं से स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है। ड्राइव अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विद मास नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि है क्या ये। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिटर्मिन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन मतलब पर न्यूक्लियॉन। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ अ न्यूक्लियस इज लेस, अगर किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, इसका मतलब वो वाला न्यूक्लियस लेस स्टेबल होगा, वो कम स्टेबल करेगा। वेयर एज द न्यूक्लियस इज अ मोर स्टेबल इफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज हाई। अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो वाला जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है क्या चीज़। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आपस में जो बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है, सो उसको कितनी एनर्जी से वो पकड़ के उसको कंबाइन करके रखा है, दैट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंड करके रखा है तो बाइंडिंग एनर्जी है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज़्यादा आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है इसका मतलब जो आपका न्यूक्लियस है वो कम स्टेबल होगा। अब इसी चीज़ पर ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि स्टेबल क्या है और अनस्टेबल क्या है। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की, अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है इसका मतलब न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। सो इस पर ही हमने एक ग्राफ बनाना है। सो स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल सबने देखा है, समझा है। सो पीरियोडिक टेबल 1 नंबर से स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एक्सेट्रा। सो अब कर्व कैसे बनाएंगे, कर्व बहुत ही केयरफुली बनानी है बेटा। ये दिनेश की बुक से मैंने नोट करा है, सो दिनेश की बुक से आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर कट, अकेला अकेला जितने भी स्टेप्स हैं वो बहुत ही क्लियर कट एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप लोग किसी भी हेल्पिंग बुक को छोड़कर अगर दिनेश की बुक से प्रॉपर लर्न कर लेंगे तो 100% बच्चे 3 out of 3 मार्क्स ही मिलेंगे आपको। अब देखो नंबर वन क्या है, ग्राफ में नंबर वन क्या है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर अ मास नंबर लेस देन 3 इज अ स्मॉल। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, स्मॉल होगी, किसमें। अब देख लो, ये रहा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, देख पा रहे हो आप, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है बिकॉज इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है इसका मतलब इसको स्ट्रेट आप लोग बना सकते हो, ठीक है जी, स्ट्रेट बना दिया। अब नेक्स्ट पढ़े, सम न्यूक्लियर विद मास नंबर 3 less than 3 और ग्रेटर देन 20। कुछ बच्चे इसको 3 to 20 लिख देते हैं, सो बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करें, इस चीज़ को इस तरीके से मत लिखो। क्या लिखना है, अटोमिक नंबर लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से और लेस देन होना चाहिए 20 से। इसका मतलब कोई भी नंबर हो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 तक। अब ये पीक वैल्यूज़ ध्यान से देख लो, इसको थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ, ये वाली पीक वैल्यूज़ ध्यान से देख लो, ये है आपका लिथियम, फिर पीक वैल्यू गई आ गया कार्बन, कार्बन के बाद कौन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स हैं, एक है 16 और है एक 18। सो आपको हर एक पीक पर इस तरीके से एलिमेंट मेंशन करने होंगे। सो याद कर लो, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर हो गया। सो 3 पीक्स बनेंगी और इसको ध्यान से इस तरीके से ही आपने बनाना है। हैविंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई, नेबरिंग न्यूक्लियाई से इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, लार्ज, ज़्यादा है।
फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स दे दो. हैविंग ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देन द नेबर देन न्यूक्लियाई आर अ मोर स्टेबल. इसका मतलब ये वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये ज़्यादा स्टेबल हैं एज कंपेरेटिव टू द नेबरिंग न्यूक्लियाई. अब आ जाओ 20 से बड़े नंबर. मान लीजिए अब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 30 से बड़ा होना चाहिए और 62 से छोटा होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, ठीक है. अब इसमें क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज ग्रेजुअली टिल अटेन मैक्सिमम वैल्यू 8.8 यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गई. मैक्सिमम हो गई इसका मतलब जो वैल्यू A इज इक्वल टू 56, आयरन है Fe 56, मीन्स आयरन निकल एक्सेट्रा आर द स्टेबल एलिमेंट्स. अब फिर ग्राफ पे आ जाओ, देखो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, ये कम स्टेबल है. इनकी बाइंडिंग एनर्जी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, इसका मतलब ये स्टेबल है. लेकिन निकल और आयरन ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, 56 और 62 ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट. सबसे ज़्यादा जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं ये वो वाले एलिमेंट्स हैं. क्लियर हो गया बेटा? इस ग्राफ को मैं इसलिए दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज मोस्टली बच्चे इस ग्राफ को जब याद करते हैं या बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं. सो छोटी छोटी गलतियाँ हमें नहीं करनी है. याद रखो फिजिक्स में हमें 30 आउट ऑफ 35 में से 35 मार्क्स हमें चाहिए. सो 35 में से 35 तभी आएंगे जब आप कोई भी मिस्टेक ग्राफ के अंदर किसी भी डायग्राम के अंदर नहीं करेंगे. याद रखना डायग्राम हो गई, ग्राफ हो गए, आपको पेंसिल और इरेजर के पेंसिल इरेजर रखो अपने पास, स्केल रखो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी डायग्राम होनी चाहिए. क्लियर हो गया जी? सो नेक्स्ट पॉइंट है 30 से लेके अब ग्रेटर देन 62, मतलब 62 से बड़ा नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, 70 हो सकता है, 78. अब ग्राफ के अंदर आ जाओ, देखो ये है 100, 127, 184, यूरेनियम आ गया. यूरेनियम के दो आइसोटोप्स हैं, ये सारे ग्रेटर देन क्या है, 62. 62 से बड़े नंबर है, कोई भी हो सकता है. अब देख लो 62 से बड़ा होगा इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली डिक्रीजेज, अब इंक्रीज नहीं करेगा बाइंडिंग एनर्जी, क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी. फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम की वैल्यू ले लो, वन ऑफ द हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, सबसे ज़्यादा एक नेचुरल एलिमेंट है हमारे पास जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ड्रॉप कर जाएगी. ड्रॉप मीन्स कम हो जाएगी. पहले जो मैक्सिमम जिसकी वैल्यू थी वो कितनी थी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब 62 से जैसे ही नंबर बढ़े जाएंगे क्या हो जाएगा, आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज हो गई कितनी हो गई, 7.5. 8.8 से कम होकर कितनी हो गई, 7.5. इसलिए आपका ये ग्राफ थोड़ा सा क्या जा रहा है, डाउनवर्ड. क्लियर हो गया कि ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? ठीक है, निकल और आयरन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस तरीके से पीक्स जो आपने बनानी है, पीक्स बनाने के बाद जो ये वैल्यू है दिस इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज़ अ निकल और आयरन, उसके बाद आपको पीक हल्की सी डाउनवर्ड लेके आनी है. क्लियर हो गया जी? बट आई थिंक आप लोगों को सबको ग्राफ अच्छे से क्लियर होगा. आप किसी तरीके की कोई भी मिस्टेक करी आपने ग्राफ में उसको ठीक कर लो अपने टेस्ट के अंदर और वहाँ पे लिख लो कि क्या गलती है, आपने दोबारा से रिपीट नहीं करनी बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है. सो ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने नहीं टेस्ट में करनी, पेपर में नहीं करनी, सो उस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो. लास्ट में है कंक्लूजन. हम लोगों ने इस पूरे प्रोसीजर के अंदर क्या किया, आपको कंक्लूजन निकालना है इसका. अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ग्राफ एंड पॉइंट्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर द 3 मार्क्स, सो कंक्लूजन ज़रूर लिख कर आएँ कि हम लोगों ने क्या किया है इस पूरे टॉपिक्स के अंदर, क्या किया है. इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैव लार्ज वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सो दे आर मोर स्टेबल. इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, इंटरमीडिएट मतलब सेंटर वाले, ये सेंटर वाले, ठीक है, ये वाले इंटरमीडिएट है, इसका मतलब इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैविंग लो वैल्यू फॉर बोथ द लाइट एंड अ हैवी न्यूक्लियर. अगर आप लो एलिमेंट्स लेंगे या हैवी एलिमेंट्स, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम. अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस है इट मीन्स इट्स
दे आर अनस्टेबल न्यूक्लियस, वो अनस्टेबल होंगे, क्लियर हो गया जी। व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू द लाइटर न्यूक्लियस, अगर कोई बड़ा वाला न्यूक्लियाई स्प्लिट होकर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ लाइटर न्यूक्लियाई आर अ मोर देन द ओरिजिनल हैवी न्यूक्लियस, इट मीन्स न्यूक्लियंस ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई आर अ मोर टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड उसमें ज़्यादा होगा, एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस, जो एनर्जी रिलीज होगी इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्लियर हो गया। सो लास्ट पॉइंट में न्यूक्लियर फ्यूजन है, आप लोग इसे एक बार खुद ज़रूर पढ़ लेना, कंक्लूजन आपने लिखना है 3 मार्क्स के अंदर। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं मैम कंक्लूजन लिखना है, डायग्राम कैसे बनानी है, सो हर एक चीज़ बेटा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। सो बेटा ये पूरी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं भी मिले तो टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करो फिजिक्स विद रिंपल मैम, आप लोगों को वहाँ पे चैनल फिजिक्स विद रिंपल मैम वाला मिल जाएगा। आप DP सेम है जो यूट्यूब पर फ़ोटो लगी है, सेम फ़ोटो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो, और जितना टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज आपका टेस्ट कोई नहीं देख रहा, आप अपना टेस्ट खुद ही ले रहे हो, खुद ही चेक कर रहे हो, इसका मतलब आपकी बेइज्जती नहीं हो रही। याद रखो स्टूडेंट्स की कोई इज्जत नहीं होती, इसका मतलब कोई बेइज्जती नहीं होगी। सो आप लोग अपना टेस्ट बहुत अच्छे से घर पे दें ताकि आपके फाइनल एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल एग्ज़ाम, जाते हुए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच।